देखिए जनरल फैज जो है ना वो पीछे हटने वाला नहीं है, जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा भाई जट तो है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई, मतलब इस लेवल पे मारकाट है। एंड देन दे से कि इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है। तो जनरल फैज की सीधी सीधी नजर है कि जीएचक्यू में जो बड़ी वाली केवन है भैया वो मुझे मिल जाए और मैं एज आर्मी चीफ रिटायर एक बार घुस गया आर्मी चीफ बन के, फिर उसके बाद मैं भी खुद को एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, जो अगला पपेट आएगा उससे बोल दूंगा 3 साल मुझे भी दे दे। जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पे गोली पड़ी थी 71 में। इट्स ऑलवेज दे हैव ऑलवेज बीन शॉर्ट रनिंग अवे, दस्तूर है उनका कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो, भागते हुए क्योंकि इंडियन आर्मी वाला कहता है कहां भाग रहे हो लड़ो। तो पाकिस्तान में दो किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है। अमीर के इस्लाम के वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान। ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले कर, ये लोग कुछ नहीं सीखे, इनसे अलग हो गया ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे। 1971 में इतनी बुरी हार हुई ये तब नहीं सीखे, ये कारगिल से जलील हुए तब नहीं सीखे, 1965 में, ठीक है इनको कुछ नहीं करना, इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखंडे में। जय हिंद, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव और आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्य। हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करने वाले हैं, कुछ अंदर की खबरें हम हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, एक ISI चीफ और एक आर्मी चीफ, जनरल बाजवा बीइंग अ जट, वो जट हैं तो उनकी उनकी एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी पंजाब में, दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद है वो अवान है, अवानों का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब इन दोनों के बीच में इन फाइटिंग हो गई है और ये दोनों बहुत स्टेक रखते हैं पंजाब और पंजाब यानी पाकिस्तान, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब, तो वहां की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत स्टेक है इन दोनों कम्युनिटीज का। तो सर अब मैं सब जल्द में बता दे रहा हूँ कि चौधरी फवाद हुसैन को मिनिस्टर से इसलिए बुलाया गया है बिकॉज वो जट है, ठीक है, देयर इज नो अदर रीजन। तो जट, अवान, राजपूत, ये दो तीन कैटेगरी कास्ट हैं जिनकी गवर्नमेंट में कोई भी हो, मिनिस्ट्रीज, आर्मी चीफ, ISI चीफ, ये यही रहते हैं। मतलब वंस इन अ वाइल होता है कि कोई मुहाजिर आ जाए या कोई अदर कम्युनिटी से पश्तून आ जाए, बिकॉज पिछले 20-40 साल में तो कोई पश्तून किसी मेजर पोस्ट पे गया नहीं पाकिस्तान में, बिकॉज सर लास्ट 40 ईयर्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर दे हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग पश्तूंस। खान तो लिखा था पर पठान थोड़े सो ही इज फ्रॉम मियांवाली, लाइक ही इज अ प्रोजेनी ऑफ जनरल नियाजी। सो सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन फाइटिंग चल रही है, फैज हमीद पुल कर रहे हैं कि कैसे भी करके इमरान खान को उसका टर्म, उसका टेन्योर पूरा कराना है हमें, उसकी जो भी कॉस्ट हो। हामिद मीर जैसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट, ये दुनिया में सर बहुत बड़ी गलतफहमी सर ये रही है कि हामिद मीर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो लिबरल है, वो सेक्युलर है, वो लिबरल सेक्युलर हो चाहे ना हो मुझे उसका नहीं पता, बट वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा है, बिकॉज उसामा बिन लादेन को दो दो इंटरव्यूज लिए उसने, बिना ISI के आशीर्वाद के कोई बंदा उसामा बिन लादेन का दो इंटरव्यू कर सकता है। सो ही हैज ऑलवेज बीन प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंड ही हैज ऑलवेज बीन एंटी इंडिया एंड एंटी इजराइल, जितनी एंटी इजराइल और एंटी इंडिया बातें ये लोग करते रहे हैं उतनी तो किसी ने नहीं करी आज तक तारीख में। So, sir, मुझे ये बताइए कि ये किसी भी कीमत, मतलब ये फैज हमीद इज विलिंग टू पे एनी कॉस्ट कि इमरान खान को टेन्योर पूरा कराना है, बाजवा इज सेंसिंग, बाजवा का कहना है कि यार पंजाब जो हमारा फौज का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे हमारे खिलाफ फिजा बन रही है पंजाब में लोगों में, जैसे हमने लास्ट टाइम जनरल जहांगीर करामत की बात की थी कि यू नो कि
आवाम में तशवीश हो या फौज में तशवीश हो या आलमी कुवतों को जरूरत हो, तो अगर आवाम में तशवीश हो गई है तो सर बाजवा वांट्स की इमरान हैज टू गो एंड लेट अस ब्रिंग इन समबडी यू नो हु इज मोर डिजर्विंग। सर आप इस पूरी इन फाइटिंग को कैसे देखते हैं एंड हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक दिस फाइट इज? वैभव पहली बात तो इट्स विद अ ग्रेट डील ऑफ सैडनेस, बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि पता है इंडियन मीडिया ना इन सब चीजों के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको इंटरेस्ट, मेरे ख्याल नॉलेज का इशू है। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, दीज पीपल डोंट नो ठीक है कौन अवान है, कौन अरन है, कौन गुज्जर है, कौन जट है वहां पे, कौन राजपूत है। इनके जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जिसको कहते हैं हम सीज़मिक एक्टिविटी जो होती है ना अर्थक्वेक टाइप की जो पाकिस्तान में चलती रहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वही इंसान या शख्स पहचान सकता है जिसको इंटरेस्ट है, जो दिन रात इसका यही काम है कि भाई पाकिस्तान में चल के रहा। अच्छा हमें तो बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, हमारे मीडिया को इतना नहीं है, हमारे मीडिया वो ब्रेकिंग न्यूज के आगे बेचारे नहीं करते हैं कवर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब पहली बात, दूसरी चीज ये है कि जिसको कहते हैं ना द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वैभव जिससे कभी ये पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं सोच सकता था। एक दो बार पहले ट्रेमर्स हुए हैं, मुशर्रफ के टाइम पे भी ट्रेमर्स हुए हैं, लेकिन पंजाब ने हर समय आर्मी को सपोर्ट करा है, हर समय बिला नागा सपोर्ट करा है पाकिस्तान आर्मी को। आज वहां पर दरारें पड़ रही हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जनरल बाजवा क्यों घबरा रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, अगर कुछ होता है पंजाब में तो इसके रिपरकशन सिर्फ आर्मी तक नहीं रहेंगे, ये थ्रू आउट द कंट्री। यू नो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एथनिकली पंजाबी एंड दे स्पीक सम वेरिएशन ऑफ पंजाबी। सराइकी इज ऑल्सो अ वेरिएशन ऑफ पंजाबी, थोड़ी सी अलग है लेकिन इट इज दिस थिंग, एंड काफी जो पंजाबी समझता है थोड़ा बहुत सराइकी भी समझता है, इस टाइप के यू नो पोटहारी पहाड़ी ऑल दीज लैंग्वेज, ये सब वो मिली जुली है दाएं बाएं की। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि अगर इमरान खान रहेगा तब DGISI आर्मी चीफ बनेगा, इट्स अ डील भाई। अब मैं कह रहा हूं बाजवा साहब को बुरा क्यों लग रहा है, यही डील तो बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ करी थी शुरू में, क्या बोला था मैं तुम्हें एक्सटेंशन दे दूंगा तुम मुझे आर्मी चीफ बना देना। अच्छा वही डील जब जनरल फैज कर रहा है इमरान खान के साथ तो इनका मुंह सूझ गया कि साहब पंजाब में हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है। अरे पंजाब को मारो गोली, तुम्हारी फौज तितर बितर हो गई तुम्हारे एक्सटेंशन के चक्कर में, तब तुम्हें तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, अब तुम्हारा दिल पसीज रहा है दिन में। तो ये सब यू नो ऑल दीज थिंग्स दैट इज हैपनिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट वैभव जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको समझने के लिए, इसको महसूस करने के लिए जो ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर्स है ना, दे आर द पीपल हु नो द नुआंसेस। इसमें नुआंस जानना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो पैशनेट पाकिस्तान वॉचर्स हैं, कम हैं, हैं बट बहुत कम हैं, जिनको ये अंदर की जो थी ना इनके क्या क्या चल रहा है इनके गली मोहल्लों में ये सब इनको पता है। तो ये यही बात है वैभव, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है कि ये और हो इनके बीच में। क्योंकि देखिए जनरल फैज जो है ना वो पीछे हटने वाला नहीं है, जनरल फैज की फौज में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जनरल फैज की रूरल पंजाब में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा भाई जट तो है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ऐसी नहीं है कि पहली बार पावर क्लैश हुआ है दो कम्युनिटीज के बीच में, ये पहली बार नहीं है। ये कम्युनिटी में क्लैश हमने जटों और गुजरों के बीच में देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। एक ने बताया वैशी जट पिक्चर बनाई तो दूसरे ने वैशी गुजर बनाई, मतलब इस लेवल पे मारकाट है। एंड देन दे से कि इस्लाम में जात पात नहीं है, हम लोग कास्ट सिस्टम नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कास्ट सिस्टम है। तो ये दिस इज आउट एट प्ले एंड एवरीबडी इज लेवरेजिंग इज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी कि भाई मुझे क्या फायदा मिल सकता है इससे। तो जनरल फैज की सीधी सीधी नजर है कि GHQ में जो बड़ी वाली केवन है भैया वो मुझे मिल जाए और मैं एज आर्मी चीफ रिटायर एक बार घुस गया आर्मी चीफ बन के, फिर उसके बाद मैं भी खुद को एक्सटेंशन दिलवा दूंगा, जो अगला पपेट आएगा उससे बोल दूंगा 3 साल मुझे भी दे दे, पाकिस्तान में तो कॉमन चीज है ये। तो ये बात हो गई। सर हाल ही में एक इंसिडेंट जो फैज हमीद से रिलेटेड था, वो गोली वोली चल गई थी उनके ऊपर कहीं, तो उसके उसके हवाले से मतलब बहुत चर्चा हो रही है। बट अब वो हमने मतलब हमने आज तक उस चीज को कवर नहीं किया, वो इंसिडेंट एक्चुअली आज से 1.5-2 साल पुराना है, वो आज का इंसिडेंट नहीं है और मैं कहता हूँ 2 साल भी नहीं, शायद 2.5 साल हो गए होंगे। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन तब भी थी बट हमने नहीं की बिकॉज हम कुछ थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं, हम उन चीजों में नहीं जाते बिकॉज यू सर यू हैव बीन अ प्रोफेशनल सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। तो मतलब योर एडवर्सरी व्हाटएवर ही इज डूइंग इन हिज पर्सनल लाइफ इज नन ऑफ आवर बिजनेस टू बी वेरी ऑनेस्ट।
एंड लेट अस कीप इट दैट वे, वी शुड, इट इज नॉट गुड टू डिस्कस कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं. अब वी कैन डिस्कस जनरल रानी, हम जनरल रानी के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज जनरल रानी वॉज नॉट इंडियन आर्मी सोल्जर, ठीक है, और अब पाकिस्तान आर्मी सोल्जर. तो सर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यार देखो, मैं, हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए पर्सनल अफेयर्स, बट मैं बस इतना, दिस इज अ फैमिली चैनल एंड वी शुड नॉट से इट, आई एग्री विद यू वैभव, एंड वी शुड मेंटेन द डेकरम, बट जहां जनरल फैज को गोली पड़ी है ना, पूरी पाकिस्तान फौज को वहीं पे गोली पड़ी थी 71 में. इट्स ऑलवेज, दे हैव ऑलवेज बीन शॉट रनिंग अवे, ठीक है, तो दे हैव ऑलवेज बीन शॉट इन द बैक साइड, अनफॉर्चुनेटली. ये बड़ा एक है पाकिस्तानी फौज का ट्रेडिशन भी है, दस्तूर है उनका, कि छाती पे गोली कम खाते हैं वो भागते हुए ज्यादा उनको, कि इंडियन आर्मी वाला कहता है कहां भाग रहे हो, लड़ो तो. उसकी वाइफ ने भी तो यही बोला था, कहां भाग रहे हो, सवाल का जवाब दो. वो भागा, उसने मारी गोली, बरहाल. ये जो जनरल रानी का केस है, वैभव, ये ना जनरल रानी इज एक्चुअली, ये पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है. इट इज नॉट द नेम ऑफ यू नो अकलीन अख्तर या वन 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 वुमेन, जिसको हम कह देते हैं, एक एक कोई लेडी खातिन खातून की या कोई कोई औरत की कहानी नहीं है. ये पाकिस्तान में ऐसा, ऐसी बात नहीं कि जनरल रानी का जब केस हुआ था तो पहली बार हुआ था और उसके बाद केसेस नहीं हुए. ये पाकिस्तानी, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान में दो किस्म के इस्लाम है, एक गरीब का इस्लाम है और एक अमीर का इस्लाम है. अमीर के इस्लाम के वो फॉलो करते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सुअर का मांस खाते थे, सुअर का गोश्त खाते थे, और उन्होंने अपनी पारसी जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, बड़ा जिसको कहते हैं कि मतलब जय और वीरू वाली दोस्ती जो थी उनकी, उस पारसी फ्रेंड की 14 साल की बेटी को भगा के उससे शादी वादी कर ली थी. 14 या 16 साल की ऐसी कुछ थी, टीनेजर थी, उससे शादी कर ली थी ऑनरेबल जिन्ना साहब ने. एक वो पाकिस्तान है अमीरों वाला, जहां सब कुछ चलता है, जहां पे पार्टीज चलती हैं, ऐसी पार्टीज चलती हैं जो शायद दिल्ली और मुंबई में ना चलती हों, फार्म हाउस में ऐसी पार्टीज चलती हैं, रेव पार्टीज चलती हैं, वहां पे ओपन ड्रग्स का कल्चर है, शराब आपको कौन सी चाहिए, पाकिस्तान में कौन सी शराब नहीं मिलती है, राइट, वाइन वुमेन सॉन्ग, एक अलग उनकी एक अलग इस्लामिक रिपब्लिक है, राइट, डीएचए वीएचए टाइप की, बड़ा मामला है उनका. लेकिन एक दूसरा इस्लाम है ना, जो ये लबैक वालों का है, जो गरीब का, जो भी मरे वहां पे, ठीक है, मैं साद हुसैन रिजवी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वो करोड़पति हो, ठीक है, हो सकता है करोड़पति हो, लबैक का वो है और पॉलिटिकल पार्टी है तो पैसा तो हो गई, मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूं, लबैक की, जिसने गोली खाई थी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, राइट. तो उसमें आप देखिए, जितने भी लोग मारे गए वो तो गरीब थे, वो तो कोई डीएचए वाला तो नहीं मरा था उसमें, या कोई जर्नल का बेटा तो नहीं मरा था उसमें, सबके सब अमीर मरे थे. तो इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में, जो आपने जनरल रानी की बात करी ना, जिसने कि एक एक डिक्टेटर को लेके, याहिया खान को लेके, एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग उसने शुरू करा, एक पूरा प्रोस्टिट्यूशन का रिंग शुरू करा, जिसमें कि जब वो मुल्क टूट रहा था पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बन रहा था, तब उनके अफसरों को डर लग रहा था कि क्या जाके प्रेसिडेंट साहब को जगाएं ना जगाएं, गुस्सा ना हो जाएंगे कि सर एक एक बाजू आपका कट चुका है. तो इनफैक्ट आधा आधा आपका जिस्म कट चुका है, बाजू क्यों, आधा जिस्म कट चुका है, लेकिन वो है पाकिस्तान का कल्चर. तो वैभव, ये जो चीज है ना, जनरल रानी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पाकिस्तान्स कैरेक्टर. जो अमीर लोग हैं, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, आज भी जनरल रानी, मतलब नॉट दैट इंडिविजुअल जनरल रानी, पर जनरल रानी बीइंग अ थॉट प्रोसेस, इट इज वेरी मच अलाइव इन पाकिस्तान. ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये लोग वैसे ही कांड करते हैं जैसे पहले कर, ये लोग कुछ नहीं सीखे. ये बांग्लादेश टूट गया, इनसे अलग हो गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, ये तब नहीं सीखे. 1971 में इतनी बुरी हार हुई, ये तब नहीं सीखे. ये कारगिल से जलील हुए, ये तब नहीं सीखे. 1965 में, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना, इनको जनरल रानी के साथ, अपनी शराब के साथ, अपनी पार्टीज के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े असासे जो इनके दुबई में हैं, यूरोप में हैं, खासतौर से लंदन में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह इनको प्रॉपर्टीज बनानी है पाकिस्तान के अखंडे में. और रसूल अल्लाह की शान, मैं जान देने वाला लबैक का कोई ना कोई गरीब का बच्चा मिल जाएगा इनको ना, तो वो कहानी भी चलती रहेगी पैरेलली. ये स्टोरी है पाकिस्तान की और ये सच है. और जो पाकिस्तानी इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं, लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में कि मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है.
मैं बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ऐसे हैं, लेकिन यस पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन एक बहुत, और लोअर लेवल जो है पाकिस्तानी आर्मी का वैभव, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था वेयर वी हैव दिस थिंग यू नो वेरी क्लोजली सीन द पाकिस्तान आर्मी, जो उनके कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के हैं ना, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल. वो देख के लग जाता है कि जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से उनका मूवमेंट है, जिस तरीके से उनके डेली के ड्रिल्स हैं, हम तो फौज में ड्रिल से पहचान लेते हैं यार, वो पेट्रोलिंग जा रहा है उसकी क्या ड्रिल है, ठीक है, एम्बुश हुआ तो काउंटर एम्बुश की क्या कार्रवाई कर रहा है, वो दो मिनट में पता लग जाता है कि इस आदमी में कितना कलेजा है और कितनी इसकी ट्रेनिंग है, राइट. जूनियर लेवल पे इट्स अ वेरी गुड आर्मी, पता नहीं है ब्रिगेडियर बनते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो जाता है, क्या इनके अंदर जिन आ जाता है, ये पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम, बट मोस्ट ऑफ सम ऑफ देम आर वेरी गुड. जहांगीर करामत इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड जनरल, वो ए पॉलिटिकल थे और ए पॉलिटिकल ही वो, जिसको कहते हैं ना सोल्जर्स फेड इनटू द सनसेट, ही फेडेड इनटू द सनसेट. आज कोई नाम याद नहीं करता, बट पीपल रिमेंबर हिम कि इखलाक था उस आदमी का, नियत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था. बाकी आप देखिए इनके आर्मी चीफ यार, दे आर वो तो बहुत पुरानी पुरानी कहानी है इनके, आयुब खान के टाइम से ऐसी कहानियां हैं कि बिल्कुल जिसको मनोहर कहानियां फेल हो जाए भैया, ये बड़े सॉलिड लोग हैं. जनरल रानी के बाद भी तो जनरल रानी वाला कल्चर तो आज तक खत्म नहीं हुआ ना, मतलब उसके बाद भी कितनी सारी जनरल रानी आई, आज भी हमें पता है कि there are women, you know, who calls the shots in Pakistan. और सबको पता है कि अगर आप उसके पास जाओगे तो आपका काम हो जाना है. एंड और इसी यही जो रोग है, इसी मर्ज के जो शिकार हुए वो अपने फैज हमीद साहब भी हुए थे. तो सर एक सर अगला सवाल मेरा जो है कि राजा जफरुल हक की एक वीडियो सर मंजरे आम पे आई है, और जी वो जी. सेनेटर एक सेनेटर है पाकिस्तान के और फॉर्मर डिप्लोमेट भी है, उन्होंने बताया कि जब मैं ट्यूनिस गया था तो अबू जिहाद जो थे वो उस समय जिंदा हुआ करते थे, और उन्होंने मुझसे बताया 1982 में कि जब भी इसराइल के खिलाफ या मिडिल ईस्ट में कहीं भी जिहाद करना होता है तो जो सबसे अच्छे जो जिहाद लड़ने वाले जो टेररिस्ट होते हैं वो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी तरबियत पाकिस्तान में हुई होती है. तो सर आई मीन हाउ मेनी एडमिशन सेल्फ गोल्स दिस कंट्री इज गोइंग टू डू, मतलब हर बार इनका कोई ना कोई इस तरह का कोई सेनेटर, कोई मंत्री, कोई वजीर उठता है और वो बोलता है कि हाँ हम जिहाद करते रहे, हम मिडिल ईस्ट में भी करते रहे, हम कश्मीर में भी करते रहे, हम हर जगह हम ट्रेनिंग, जिहाद कहीं भी हो रहा हो ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही होती है. नहीं बिल्कुल, देखिए वैभव मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि दिल से ये लोग जिहाद को बुरा नहीं मानते. किसी गैर मुस्लिम को मारना या कहीं पे चढ़ाई कर देना, पाकिस्तानी इसको बुरा नहीं मानते, ये फर्ज है इनका, तो वो करवाते रहते हैं. लेकिन एज लॉन्ग एज कि इनका बेटा ना मारे वो, है ना, इनका बेटा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ेगा, गरीब का बेटा जिहाद. अब इन्होंने क्या करा है इसमें, देखिए जो राजा साहब ने बात बोली ना, राजा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि बोला साहब सबसे बढ़िया जो तगड़े जिहादी हैं तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाई थी. यानी कि पाकिस्तान अर्ली 80s में भी ये काम कर रहा था, पाकिस्तान अर्ली 80s में भी काम कर रहा था. एंड दिस इज आई थिंक द सेम टाइम एज द अफगान जिहाद, मोटा मोटी वही टाइम फ्रेम है, 79 और 89 के बीच में अफगान जिहाद. ये तब से ड्रामा कर रहे हैं, ये तब से टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग इट एज अ यू नो एज अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी. क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान में अगर आर्मी वाले एक्स आर्मी वाले ट्रेन कर रहे हैं जिहादियों को, तो ऐसी बात तो नहीं है कि जेएसयू रावलपिंडी को नहीं पता, इनके फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, इनके इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं पता, पता सबको है, आशीर्वाद से ट्रेनिंग होती है, पहली चीज. दूसरी चीज वैभव जो बहुत जरूरी है, आपने वो देखा पूरी स्पीच मैंने देखी, 21-22-23 मिनट की स्पीच है वो, चचा बयान पर बयान कर रहे हैं, बयान पर बयान कर रहा है, पीछे से दबी आवाजों में लोग दाद भी दे रहे हैं. किसी ने चाचा से ये नहीं पूछा कि चाचा एक बात बताओ, तुम तो अबू जिहाद से मिले और पाकिस्तान के जिहादी सबसे अच्छे होते हैं और बड़ी सॉलिड ट्रेनिंग होती है, तो दो सवाल पूछने चाहिए थे कि जो जिहादियों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते भाई, तुम्हारी फौज क्यों पिट के आ जाती है, और जो तुम जिहाद के नाम पे इतनी तालियां बजा रहे हो और इतनी वाहवाही कर रहे हो दबे अल्फाजों में कि साहब बहुत ही बढ़िया काम है, वाह 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 साहब वाह बहुत ही बढ़िया. और नीचे कमेंट्स देखिए उसके अंदर, वो जो लंबा वीडियो है 23 मिनट का, वो पाकिस्तानी नीचे इतने खुश हैं, कोई चाचा से पूछता कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं गया जिहाद पे, ये जेन्युइन क्वेश्चन है भाई. अगर जिहाद इतनी बढ़िया बात है ना,
अगर जिहाद इतनी अच्छी बात है तो साध बाजवा फिर दुबई में नौकरी क्यों कर रहा है यार, और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमा रहा है? अच्छी बात है भाई, भाई उनके फादर जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं उसका तो मोटो ही है ना ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। सबसे पहले अपने बेटे को डालें जिहाद पे और बोले कि ये रास्ता दिखाएगा, आर्मी चीफ का बेटा है, ये रास्ता दिखाएगा भाई सबके सामने, ये करेगा जिहाद, ये जाएगा कश्मीर में, ये राष्ट्रीय राइफल से लड़ेगा, मैंने अपने बेटे के सर पे कफन बांधा है, ठीक है, और मैंने अपने बेटे को बाय बाय बोल दिया कि जी फाइनल गुड बाय है तुम चलो। वो नहीं होगा, मरेगा वही लबैक वाला गरीब का बच्चा जो रेड़ी चलाता है पाकिस्तान में। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो उन्होंने बोला ना, ये जो आपके पहले एम्बेसडर भी राजा साहब एम्बेसडर रह चुके हैं और फिर यू नो ही वाज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स नवाज शरीफ के, और नून लीग के हैं, ये पुराने खिलाड़ी हैं नून लीग के, ये मंत्री रह चुके हैं वहां पे, वजीर रह चुके हैं। तो ये देखिए इनके एम्बेसडर्स तीसरी चीज क्या दिखाते हैं, वो पूरे जो लंबे उसमें ये मेंशन करता है कि हम देखते थे इसराइल का एम्बेसी इजिप्ट में पूरा ढका छुपा है, ऐसे पूरी फौज नीचे खड़ी और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, मैंने पूरा वीडियो देखा वो। अब आई एम वेरी सरप्राइज इनके डिप्लोमैट्स भी यही काम करते हैं। भाई तुम्हारा क्या मतलब है अबू जिहाद? अबू जिहाद का नाम देखो, उसका नाम अबू जिहाद है जिससे बंदे से मिल रहे, और ये कह देंगे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था जिहाद ही है। अरे बेवकूफ, उसका नाम अबू जिहाद है। अबू जिहाद मतलब फादर ऑफ जिहाद, जिहाद का बाप, जिहाद का बाप है अबू जिहाद, उसका नाम था अबू जिहाद। अच्छा, फतेह ऑर्गेनाइजेशन थी जो वो बाद में फिर फतेह खत्म हो गई, फिर वो यू नो वो थोड़े से लेफ्ट लीनिंग टाइप के थे और फिर उसके बाद वो पीएलओ में शुमार हो गए और ये सब ये ड्रामा उनका बड़ा चला। और फिर वहीं से उसी स्ट्रेन ऑफ रेडिकल थॉट से एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जन्मा, फतेह से नहीं बट फ्रॉम सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विच वी नो इज हमास टुडे। तो मैं ये ठीक है वो लेफ्ट लीनिंग हो सकते हैं और हमास रेडिकल इस्लामिस्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों में मैं कोई फर्क नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? इसलिए जब मैंने ट्वीट करा था मैंने जानबूझ के हमास लिखा, उसमें मैंने जानबूझ के हमास लिखा, लोगों ने बोला साहब इसमें तो हमास की बात ही नहीं करी, आपने हमास क्यों लिखा? मैंने बोला फर्क क्या है, फर्क क्या है भाई दोनों में? तुम एक बात बताओ, दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही यहूदियों को मारना चाहती हैं, बोथ डोंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, है ना? डू यू वांट टू गेट इनटू एटिमोलॉजी कि भाई ये शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये सब आप बात करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो ये चीज है वैभव, ये इनके सफीर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, यही देखते हैं कितना आईडब्ल्यू कर लेंगे हम लोग, कहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हैं कहां पे। तभी तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, आपने कभी बात नोट करी है पाकिस्तान में ये कभी नहीं इन्वेस्टमेंट ला पाते? क्यों नहीं ला पाते? ये पूरे समय यही कर रहे हैं, जिहादियों से मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, फिर जाके कुछ और कर रहे हैं, तीसरा काम, ये सारे के सारे उल्टे काम करते हैं। ये कभी इन्होंने ढंग का काम नहीं करा। सफारत का क्या है? आपको पाकिस्तान को एक लेवल पे लेकर आना है, पाकिस्तान की रेपुटेशन आपको मेंटेन करनी है, राइट? क्या ये पाकिस्तान की रेपुटेशन मेंटेन कर पाए? नहीं, पाकिस्तान को सब गाली देते हैं, सब थूकते हैं। जो पाकिस्तानी है ओवरसीज पाकिस्तानी वो तक इनको थूकते हैं, कहते हैं हमारे सफारतखानों में हमसे सौतेला व्यवहार होता है, हमें को पूछता नहीं है। तो ना ये दुनिया को खुश रख पाए इनके डिप्लोमैट्स, ना ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको खुश रख पाए। बस एक ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, आपने सुना ही होगा, भाई ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी, फिर ये कहते हैं कि हिंदू साजिश करता। अब साजिश तूने बेची बिल्डिंग, हमने थोड़ा बेची, फिर यहूदी साजिश करता है, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सो पाकिस्तान में चलता है ये सब। मैं बोला ना इट्स एन ऑल्टरनेट टू नेटफ्लिक्स, आपको बता रहा, इट्स अ गुड प्लेस। सर एक चीज हमने ये भी देखी है कि रिसेंटली इनका एक बहुत बड़ा सपना था कि यू नो हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे तुर्की के साथ, ईरान के साथ और मलेशिया के साथ। अच्छा सर, जो दुनिया है सर, वो दुनिया चलती है जो अमेरिका चाहता है या जो वेस्ट चाहता है या जो कुछ, अगर मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता दूं, जो कॉकेशियन से आते हैं वो होता है, ठीक है? दुनिया में वही लॉ है और उन्हीं के लॉ चलते हैं। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास माइट है, जिनके पास स्ट्रेंथ है, जो आपको इफेक्ट करते हैं, आपकी आवाम की रोजी रोटी तक उनके एक डिसीजन का इफेक्ट जाता है ट्रिकल डाउन होकर के, वो सारे यूरोपियंस हैं, नॉर्थ अमेरिकन्स हैं। आपने क्या बोला कि हम ब्लॉग बनाएंगे तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ और इन जैसे मुल्कों के साथ, ईरान के साथ। सर ईरान को अगर हम देखें, ईरान एक न्यूसेंस स्टेट है। जो पाकिस्तान हमारे लिए है वो ईरान मिडिल ईस्ट के जो बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके लिए है। पाकिस्तान साउथ एशिया में टेररिज्म करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पहले तो यूगर्स के खिलाफ भी करते थे, फिर चाइना को समझ में आया तो चाइना ने फिर इनको कंट्रोल किया। तो
सर डू यू थिंक कि जो ईरान का जो रोल हम देखते हैं या ये जो पूरा ब्लॉक है जो सो कॉल्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लॉक बने ना बने, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। मेरा सबसे ज्यादा सवाल है कि रेडिकलाइजेशन तो रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म टेररिज्म है, वो चाहे शिया टेररिज्म हो, चाहे सुन्नी टेररिज्म हो, चाहे वहाबी टेररिज्म हो, या कोई भी टेररिज्म हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, हम सर ये तो सर नहीं कर सकते कि जो शिया टेररिज्म है जो हिजबुल्ला करती है हम उसको डिफेंड करें, हम उसको जस्टिफाई करें, हम उसको एक्सेप्ट कर लें एज अ न्यू नॉर्म कि हाँ चलो ठीक है जो हिजबुल्ला कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो जैसे मोहम्मद करती है वो गलत है। सर ये हमारा पैरामीटर नहीं हो सकता है, अगर जैसे मोहम्मद गलत है तो हिजबुल्ला भी गलत है, फिर तालिबान भी गलत है, फिर अलकायदा भी गलत है, सारे गलत है। सर हाउ मच डू यू बाय इनटू दैट आर्गुमेंट? एब्सोल्युटली वैभव, देखो जो यू नो द मोनोपोली ऑफ वायलेंस रेस्ट्स विद द स्टेट, एक पुरानी कहावत है कि द मोनोपोली ऑफ वायलेंस रेस्ट्स विद द स्टेट। लड़ाई करना, जंग छेड़ना, ये स्टेट का काम है, ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि टेररिज्म क्या है। टेररिज्म सिंपल सी चीज है, टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसमें अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा, मैं एक दहशत का माहौल क्रिएट करूंगा और वो दहशत का माहौल इतना ज्यादा होगा कि आप डर के मारे हाँ बोल देंगे और अपना सर झुका देंगे। नॉर्मल पॉलिटिक्स इज बाय कंसेंसस, जिसमें पॉलिटिशियंस कुछ देते हैं या फ्रीबीज दें या कुछ पॉलिसीज देते हैं, अच्छा काम करते हैं, चोरी भी करते होंगे, गलत काम भी करते होंगे, 10 किस्म के पॉलिटिशियन, 10 किस्म, सब एक जैसे नहीं होते, जैसे हम लोग सब एक जैसे नहीं है वैसे पॉलिटिशियन भी इंसान है, वो भी एक जैसे नहीं है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। देखो बात पता है क्या है, अलग अलग लेवल्स पे लोग क्या करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी से दे ट्राई टू कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग समवेयर। आप कैसे करोगे? आप देखो ये जितने ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला ले लो, हिजबुल्ला को तो आयतुल्ला जी फंड करते आए हैं इसमें कोई, और वो मानते भी हैं, क्यों? राइट? क्यों करता है ईरान? क्योंकि ईरान के पास और कुछ है नहीं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। ईरान कैसे, इंडिया कहता है कि मैंने इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका भेजे, इंडिया कहता है मैंने एक शॉट में मैंने 100 सैटेलाइट हवा में डाल दी, इंडिया कहता है मैंने इतने देशों को, 80 देशों को, 85-84 देशों को मैंने वैक्सीन भेजी। ईरान क्या कहता है? ईरान क्या कहता है? आज तक ईरान ने क्या बोला है कि मैंने क्या करा? ईरान के पास तो कुछ नहीं है, ईरान के पास कुछ नहीं है बोलने को, तो वो कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी करेगा? आपने हिजबुल्ला क्रिएट कर दिया कि तुम ये कर दो ये कर दो। पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान कहता है कि यार लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, ये कर दो, अपना नॉर्मल उनका जो रोना हर रात को टीवी पे करते रहते हैं कि लोग हमें हमारा साथ नहीं देते, मुसलमान मुल्क। इन्होंने करा क्या है? ये अरबों के खिलाफ बोलते, मैं एक बात बताऊं अरबों की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, कम से कम अरबों ने अपने खुद के लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया है, वो तेल से दिया हो बेशक, बट दे हैव गिवन यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देयर वाज नो इनकम टैक्स इन सऊदी अरेबिया। अभी वो कुछ उन्होंने शायद चेंजेस वेंजेस करे एंड यू नो दे हैव कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस बिकॉज यू नो दे नो दैट ऑयल इज नॉट एवरलास्टिंग। ऐसा तो नहीं कि 500 साल के बाद भी ऑयल होगा, वो तो होगा नहीं, दैट इज एटलीस्ट व्हाट द साइंटिस्ट से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एवरीबडी, अरब्स ने एक बहुत बढ़िया काम करा, जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, दे हैव गिवन देयर सिटीजंस, वो खुद भी ऐश करते हैं, ऐसी बात नहीं है शेख, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने लोगों को बोल दिया कि तुम भूखा मर जाओ, ऐसा नहीं है। कई जगह पढ़ाई फ्री है, कई जगह पूरी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। ये दुबई वुबई क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? ये तो शेकडम्स है ना, ये डेमोक्रेसीज तो नहीं है। लेकिन इवन द यू नो द एमीर ऑफ दुबई, द किंग ऑफ दुबई हैज इंश्योर्ड दैट हिज सिटीजंस गेट अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दैट बेसिक अकॉर्डिंग टू दुबई इज वेरी हाई, सो इट्स वेरी गुड। बाकी मुल्कों ने क्या करा? आप बात करते हैं जैश मोहम्मद की, पाकिस्तान ने कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी करी? पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर की बात करता है या पैसे मांगने की बात करता है? अब वैभव मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे या दर्शकों से, पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान अमेरिका को क्या बोलेगा कि हमने तुम्हें क्या दिया, हमने तुम्हें डॉक्टर्स दिए, हमने तुम्हें वैक्सीन दी? नहीं, पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? यही बोल सकता है कि हमने तुम्हें एयरबेसिस दे दिए, क्योंकि उसके पास जमीन के अलावा कुछ है नहीं देने को। सो हाउ डस, अच्छा इच्छा सब में होती है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, भाई अभी तो हवा निकली है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की इनकी। पाकिस्तानी जनरल्स ने बोला कि साहब अफगानिस्तान में हम तालिबान को इन्फ्लुएंस करेंगे, अब वही तालिबान इन पाकिस्तानी पंजाबी आज पाकिस्तान इनको फेंटियां मार रहा है। कैसे? इनके अटैक्स हो रहे हैं ना, रोज अटैक्स हो रहे हैं ड्यूरेंट लाइन पे। तो ये लोग नहीं समझते कि जब तक आप किसी का भला नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आप दुनिया को देंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे और आपके पास कुछ नहीं है देने को, कुछ अच्छा नहीं है देने को, फिर आप बुराई देंगे ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ बुरा है।
तो इसीलिए राजा साहब क्या कह रहे हैं कि साहब सबसे बढ़िया जो टॉप क्लास के ट्रेन टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनका जवाब ही नहीं है। इसी की खुशी में, इसी में तालियां बज रही है पीछे, राजा साहब स्पीच दे रहे हैं वो बहुत हल्के, अगर आप ध्यान से सुने तो पीपल आर अप्रिशिएटिंग कि बहुत अच्छा, कम से कम हमने अच्छे जिहादी तो बनाए, है ना, जैसे हम कहते हैं ना बहुत बढ़िया दशहरी आम निकलते हैं इनके बागों से, है ना, बहुत अच्छे जिहादी तो निकले कम से कम पाकिस्तान से, दे टेक ग्रेट प्राइड इन सेइंग दैट वी प्रोड्यूस जिहादीस बिकॉज दैट कंट्री हैज नथिंग टू गिव अप, एंड इट्स अ वेरी सैड सीन। अगर आप देखें ना, आप देखें क्यों इतने उनका अशराफिया जो है, उनका जो टॉप क्रीम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, क्या कारण है? बिकॉज वो भी नाउमीद हो चुके हैं, वो जब तक दूध निकल सकता है निकालेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे वो लोग भाग जाएंगे। नवाज शरीफ बाहर है, ठीक है, जरदारी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इज अ बिलियनर, इनके सारे के सारे आर्मी चीफ बाहर हैं, इनके जनरल ज्यादातर बाहर हैं, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, ऐश कर रहे हैं, क्यों? आप सोचें क्यों? इसलिए क्योंकि उनको अपने मुल्क से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। इंसान वहीं पर रहता है जहां पर उम्मीद होती है, जहां से उम्मीद खत्म हो जाती है इंसान वहां से हिजरत कर देता है, ये हिजरत कर चुके हैं, ये सिर्फ आते हैं वो तीतर बटेर मारने आते हैं विंटर्स पे, देन दे गो बैक। यार एक बात बताओ, वो न्यूयॉर्क में रहना पसंद करेगा कि वो अपना ओकाड़ा में रहना पसंद करेगा? ओकाड़ा में ही विल कम व्हेन ही वांट्स टू फील लाइक अ फ्यूडल। सर्दियों में ना जनरल साहब आ रहे हैं, वो डीसी आ रहा है रिसीव करने के लिए, एसपी आ रहा है रिसीव करने के लिए, ढोल नगाड़े डक 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 डक, और ब्राउन नेटिव से मिलने आया, थोड़े से डॉलर वॉलर दे दिए जनरल साहब ने, वहां पे शिकार विकार हो, दिस यू कांट डू इन न्यूयॉर्क, पुलिस वाला अंदर कर देगा जनरल को वहां पे, लेकिन पाकिस्तान में ये सब चलता है। तो उसने अपना शिकार विकार करा, खुश हो गया, दो तीन महीने, बिल्कुल नवंबर में आए, दिसंबर जनवरी फरवरी, बाय द एंड ऑफ फरवरी अर्ली मार्च टेक अ फ्लाइट गो बैक टू न्यूयॉर्क रिपीट नेक्स्ट ईयर। दिस इज द आइडियोलॉजी। पाकिस्तान, ईरान, ऑल दीज कंट्रीज, इवन टर्की, आप देखो ना टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो। पाकिस्तान ने क्या सोचा था, अलायंस बनाएंगे इनके साथ, कैसे अलायंस बना लेगा वो, टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो यार, कैसे अजीब सी, दे वांट टू क्रिएट अ मिलिट्री अलायंस, हाउ कैन यू क्रिएट अ मिलिट्री अलायंस, यू हैव टू, इट नथिंग पासेस विदाउट नेटो इफ यू आर अ नेटो मेंबर। ये जो मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना के बात करी थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने एक बात नहीं, पाकिस्तान ने ये सोचा कि टर्की के पास पैसा है, भाई आप मिलिट्री अलायंस बनाएंगे तो कोई फंड करेगा ना इसको, कौन फंड करेगा इसको, टर्की के पास है नहीं पैसा, आप देख लो टर्की की इकोनॉमी कितनी है, जस्ट लुक एट टर्की की इकोनॉमी, पूरी महाराष्ट्र की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है, तीन गरीब मिले, उन्होंने बोला चलो हम ताजमहल बनाते हैं, ये स्टोरी है इनकी। ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा किसी को, तुर्की वाले देखने में गोरे हैं लेकिन ऐसी बात नहीं कि दे आर ओवरफ्लोइंग विद वेल्थ, ऐसी बात नहीं है, तुर्की हैज गॉट लिमिटेड रिसोर्सेस, तुर्की ने एक रुपए नहीं दिया पाकिस्तान को। भाई जो अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई, जो कैंसिल हो गई थी डील, खरीदने की बात हुई थी, उसने एड में थोड़ा दे दिया, आप बताओ, तुर्की कहते हैं, इन्होंने एर्दोगुल गाजी भी देख ली, उन्होंने बोला कि यही ट्रू इस्लामिक हिस्ट्री है, इमरान खान ने भी पूरा प्रचार कर लिया तुर्की वालों को खुश करने के लिए, एंड में क्या हुआ, तुर्की जाके बैठ गया इसराइल की गोद में, राइट, दे आर स्मार्ट पीपल, तुर्की है, ईरान है, जैसे भी हैं, इनमें अकल है, ये ऐसे ही अभी ये कमी है, हारी में चौधरी, इसी में लगे रहेंगे पाकिस्तानी, दे विल नेवर इंप्रूव। सर आपने एक बेसिक यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की आपने बात की, जो कि जो शेकडम्स हैं या किंगडम्स हैं इन्होंने जो प्रोवाइड की है, मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स अपने स्क्रीन पे देखें, और आपको एक वीडियो एक तरफ दिख रही होगी जो ईरान की है, ईरान की तेहरान शहर के बीच में एक स्ट्रीट की ये वीडियो है, और दूसरी तरफ जो आपको वीडियो दिख रही है ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक मोहल्ले की है रावलपिंडी के पास, और दोनों में आपको वो लोग दिख रहे हैं जो हेरोइन कर रहे हैं, जो नशे कर रहे हैं, रोड में भरे हुए हैं, और दोनों मुल्कों की कैपिटल्स में ये लोग बैठ के ये नशे कर रहे हैं। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इन्होंने ये दिया है अपनी जो आवाम है उनको, और आप चले जाएं सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमीरेट्स, इनमें से ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम हो सकते हैं बट ये इस्लामिक रिपब्लिक्स नहीं है। और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया तो खुद को ये कहती है ना कि वी आर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे डोंट क्लेम टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया, बिकॉज़ इट इज नॉट अ रिपब्लिक। तो सर ये जितना नशे का कल्चर दिखता है, जितनी गुर्बत दिखती है, जितनी लाचारी दिखती है, जितनी भी ये सारी मतलब ये नशे हो गए, इस तरह की जितनी भी चीजें हो गई, ये हमको उन्हीं मुल्कों में दिखती हैं जो सबसे ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक बनने की जिनमें होड़ है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और इन्हीं तीनों ने मिल करके या इनमें जो रहने वाले जो लोग हैं या एक मखसूस गिरोह हम कह लें, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को सत्यानाश किया हुआ है।
बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ वैभव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन। देखिए दो चीजें हैं, पहली बात तो इन्होंने ये बोल दिया कि इस्लाम में शराब हराम है। चरस हराम नहीं है, हेरोइन हराम नहीं है, कोकेन हराम नहीं है, क्रैक हराम नहीं है, शराब हराम है। तो लोगों ने बोला हाँ ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, यू नीड अ किक ना, यू नीड अ हाई। वो हाई कहीं से भी मिले, पाउडर से मिले, कहीं से मिले। तो आपने बोला ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। पहली चीज ये हो गई, हो गया। दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग साहब, आपने बोला कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां पे इस्लाम ज्यादा। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे मुल्क हैं जहां पे नाउम्मीदी बहुत है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में ड्रग्स नहीं होते, इंडिया में भी प्रॉब्लम है ड्रग्स की, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां भी खूब ड्रग एडिक्ट्स है, मैंने खुद देखे हुए कई जगह। प्रॉब्लम ये है कि मुनाफकत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वहां पे है। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान में सर, हमारे यहाँ लोग खुलेआम करते हैं, लाइक नोबडी इज लाइक कि हम अपने आप को सर इस्लामिक रिपब्लिक या राम राज्य, दोनों में से कोई भी एक चीज हम अपने आप को क्लेम भी नहीं करते हैं। वी डोंट से कि हम राम राज्य हैं या इस्लामिक रिपब्लिक है। देखिए मैं आपको फिर बोलता हूँ ना, इसमें क्या होता है कि मुनाफकत होती है। ठीक है, आपने बोला कि ट्राइबल एरियाज में, पाकिस्तान में, इवन अफगानिस्तान में, क्या बोला आपने कि हम किसी, ये देखिए ना, ये जब दिमाग खराब होता है ना किसी माशरे का, जब पागलपन जुनून छा जाता, तब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो बोला सब शराब हराम है लेकिन ड्रग्स हलाल है, तो ड्रग्स करो। इलीगल हो सकता है पर कुरान की रोशनी में इट सेज नथिंग, उस जमाने में ड्रग्स थे नहीं इस टाइप के, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया मामला। दूसरी चीज आप देखिए ट्राइबल एरियाज में या फिर अफगानिस्तान में, बोला कि सब औरतें बुरके में होंगी, औरत की तरफ जो शरीफ आदमी है वो औरत की तरफ जैसी सामने पराई औरत को देखेगा वो नजर झुका के कोने में चला जाएगा। ये ओवर एक्टिंग है। ये ओवर एक्टिंग क्यों है? ये ओवर एक्टिंग इसलिए है क्योंकि जो बच्चाबाजी जैसी घिनौनी रीत है ये यहीं पे होती है। सो व्हाट दीज पीपल आर सेइंग, नॉट आई एम नॉट पेंटिंग एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश इन द ट्राइबल एरिया, सब ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो बुरी चीज है, ये जो कुरीति है, ये तो वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो पराई औरत को बुरी नजर से मत देखो, लेकिन चाइल्ड रेप ठीक है। यार ये कैसा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। दिस मतलब मैं तो आई कैन नॉट रैप माय माइंड अराउंड दिस। बट सर देयर आर मौलवीज सर हु डिफेंड इट, देयर आर मौलवीज इनके वीडियोस अवेलेबल है जो कहते हैं कि हाँ ये अगर चाइल्ड रेप लीगल है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट अन इस्लामिक, दे से इट ओपनली। यस एंड देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव दोस मौलवीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, आप कुछ भी चीज देखिए तो यहाँ पे ना दो, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता ना किसी को, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। आप ये देखिए शराब, तौबा तौबा तौबा, लाओ भाई इंजेक्शन। अब ये क्या लॉजिक है यार? ठीक है, पराई औरत नजर नीचे करो, शर्म हया पर्दा बुरका, शर्म नीचे करो। अगले दिन खबर आती है साहब कि वो बच्चे के साथ गलत काम, मतलब यार, एंड दे डोंट इवन रियलाइज दैट ये गलत कर रहे हैं। और फिर रिलीजन का इतना हवाला देना कि साहब हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। आपने कभी किसी अरब को बोला? अरब इतने कभी नहीं बोलते कि हम मुस्लिम हैं जितनी तीन देशों में बोलते हैं लोग। कभी आपने किसी अरब को नहीं बोलता होगा, नॉर्मल चलते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, अपनी गाड़ी से उतरा अरब, अपना काम करा, चला गया, ही सिक्योर। मैंने सर हमने आज तक किसी अरब को अपनी ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक प्रोफाइल पे प्राउड मुस्लिम लिखते हुए नहीं देखा मैंने आज तक। बिकॉज़ दे आर वेरी सिक्योर, they're very secure in their identity. उनको किसी से कोई लेना देना है नहीं, अमीर लोग हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वही जो पुराना एग्जाम्पल मेरा घिसा पेटा में दोबारा दूंगा, जैसे कि ऐसा होता ना कि अब देखिए हमें सब पता है कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं रहने वाले, और बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार कह लो, सुपर स्टार कह लो, जो वर्ड है, अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कभी नहीं, अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट नेम। अब यकीनन अमिताभ बच्चन के कोई ना कोई रिलेटिव तो आज भी दूर दराज के इलाहाबाद में होंगे, होंगे ना, कुछ तो होंगे, सब तो मुंबई नहीं आए, इलाहाबाद में होंगे। और यह भी बात तय है कि कुछ उसमें से गरीब होंगे, राइट? वो जो सबसे गरीब रिश्तेदार होगा ना अमिताभ बच्चन का, वो सवेरे शाम मोहल्ले वालों को याद दिलाएगा कि पता है अमिताभ बच्चन मेरा रिश्तेदार है। ये इसीलिए अरबों से रिश्ता करना चाहते हैं क्योंकि अरब अमीर हैं, ये पहले नहीं करना चाहते। अगर अगर ये जब वहां पे तेल नहीं मिला ना,
तभी इतना इनमें नहीं था कि हम बस इनका हज तक था मामला, क्योंकि अरब्स को तो 47 में तेल नहीं मिला था, तब आप देखिए पाकिस्तान का क्या था मामला, पाकिस्तानी कभी इतने गागा नहीं होते थे कि अरब्स 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 अरब्स, जब से तेल मिला तो पुरानी खोई हुई मौसी मिल गई जो अमेरिका में रहती थी, जब आएगी तो हमारे लिए परफ्यूम भी लेकर आएगी और कलोन भी लेकर आएगी और एप्पल का फोन और आई वॉच भी लेकर आएगी, तो ये बड़ा मामला चलता है। यू वॉन्ट टू अलाइन योर सेल्फ, आप उसको अपना बनाना चाहते हैं, आप समझ रहे मेरी बात, जो अमीर अरब है आप उसके साथ, आपने ये बोला कि मुस्लिम, हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, लाओ पैसा, इशू ये नहीं है, वो पैसा नहीं देगा आपको, उसने पैसा देना बंद कर दिया आपको, क्योंकि उसको भी अब पता लग गया कि फ्रॉड है ये, राइट? अच्छा, वो लोग वहां पे सऊदी अरेबिया है, वहां पे शरिया का निजाम है तो है, हाथ कट जाएगा हाथ कट जाएगा, ठीक है, यहां पे अगर पाकिस्तान में शरिया का निजाम अगर लागू हो जाता और बोला कि चोरी के लिए हाथ कटेगा, जो अमीर आदमी है ना वो क्या करेगा कि चुपचाप जाएगा अपने ड्राइवर के घर में और अपने ड्राइवर के माँ बाप को पैसे दे देगा 10 लाख रुपए कि तुम एक काम करो कि तुम बोलो कि मैंने तुम्हें इंडेमनिफाई कर दिया और मैं तुम्हारे बेटे के हाथ कटवा रहा हूं, ये लो 10 लाख रुपए, शरिया भी पूरा हो गया, यानी कि शर्तें भी पूरी हो गई, हाथ भी कट गया, तुम्हें कटे हाथ चाहिए थे ना, लो ड्राइवर के कटवा दिए, मेरे क्यों काट रहे हो यार, मेरे ड्राइवर के काट दो हाथ। सो दिस इज वॉट एवरी स्टेप ऑफ द वे यू सी दिस डुअल दिस थिंग, जो आपने बोला कि ईरान के शहर में सब लोग नशा कर रहे हैं खुलेआम सड़क पे, क्योंकि उनको कोई रिलीजियस पुलिस है ईरान की ना, जो वो उनको इतना परेशान नहीं करेगी, उनको शराब नहीं पी रहे, ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान में अगर आपने औरत को देख लिया तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, हो सकता है आपको गोली मार दे कोई, लेकिन अगर आपने बच्चाबाजी कर दी तो ठीक है, दैट्स, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये वर्ड बच्चाबाजी आया कहां से, ये शुरुआत कहां से हुई, वहीं से तो शुरुआत हुई, तो इसलिए वहां पे तो ये चीजें हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अब मैं किसी मुल्क खास को नहीं कह रहा कि ये मुल्क खराब है अच्छा है, अफगान तो दोस्त हैं हमारे, लेकिन जो बुरी बातें हैं जो हैं अफगानिस्तान में, अगर कुछ हैं बुरी बातें ट्राइबल एरियाज में तो हैं, तो ये जो डाइकोटमी है, ये जो विरोधाभास है ना थिंकिंग में, ये बहुत डेंजरस है, और ये तभी होता है कि जब इंसान नाउमीद हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना बावला हो जाता है, तब दैट इज वाई दीज थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड ईरान।